कॉजन मनी ऐड करना है तो सबसे पहले यहाँ बैंक डिटेल्स आता है। कोई भी बैंक ले लो, आप एक्सिस ले लो, एचडीएफसी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैसा है, आपका एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा, आप कोई भी अकाउंट से यहाँ पे पैसा भर सकते हैं, सबके लिए है कॉजन मनी। प्रॉब्लम है कॉजन मनी का, नो इश्यू, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन आते हैं, ड्रॉप डाउन में आप कोई भी बैंक ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट होना चाहिए, एचडीएफसी का होना चाहिए, आईसीआईसी का होना चाहिए। आपके पास एसबीआई का है तो भी चलेगा, आपके पास एचडीएफसी का है और आप एक्सिस बैंक चूज करते हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका एक वर्चुअल अकाउंट नंबर तैयार हो रहा है, आप डायरेक्टली बैंक में जाके इस अकाउंट में पैसा भर सकते हो, या फिर यहाँ से भी फंड ऐड कर सकते हो मल्टीपल अकाउंट से। ये अकाउंट में पैसा ऐड होगा, ये आपका अकाउंट एक वर्चुअल अकाउंट सिर्फ क्रिएट होगा, वर्चुअल। तो कैसे ऐड करते हैं, एक तो आपके पास दो ऑप्शंस है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जाके ये वाला ऐड कर दीजिए, ये अकाउंट नंबर, ये बैंक और ये आईएफएससी कोड, ये आप ऐड कर दीजिए डायरेक्ट और फिर नहीं फंड नहीं एक ट्रांसफर मिनट कर एक मिनट दीजिए। सर, सर ये एक्सिस बैंक का जो दिख रहा है वो हमारा अकाउंट वर्चुअल हो गया है ऐसा? हाँ, ये आपका एक वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको जेम ने दिया है, जो भी फंड का अच्छा ट्रांजेक्शन होगा इस अकाउंट में होगा, अच्छा वो मैंने आईसीआईसीआई का सिलेक्ट किया था, तो वो भी कोई टेन प्रॉब्लम नहीं नहीं चलेगा। सर वो 10 डिजिट वाला आता है नंबर, हाँ तो बैंक वालों का बोलते हैं सर, कि वो कुछ, आपको बैंक को जाके बताना पड़ेगा, हाँ नहीं आप नहीं वो अगर 12 डिजिट नंबर होता है, ये अकाउंट नंबर ही गलत है ऐसा कुछ बोल रहे थे, अकाउंट नहीं, नंबर जो आ रहा है वो वर्चुअल। सर ये वर्चुअल अकाउंट नंबर है, ये हाँ अलग है, वो बैंक को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके चेक लो, हंड्रेड अच्छा रुपीज पहले चेक करके देख लो, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऐड फंड एंड व्यू स्टेटमेंट, आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो यदि प्रॉब्लम नहीं आया तो, या फिर आप डायरेक्टली आपके आपके पास एनएफटी या आरटीजीएस है तो आप डायरेक्टली उससे वहां पे ये बैंक अकाउंट ऐड कीजिए और आप वहां पर भी फंड आपको ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अभी ओके ऑप्शन जैसे कि गूगल पे फोन पे। देखो मैं अच्छा अभी यहाँ पे एक अकाउंट नंबर अभी मेरा जैसे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे फोन पे से मैं भेज पाता हूँ क्या, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ। इसमें कितना भरना है सर, 25,000 या 10,000 सर ये आपको देखो बिल? यहाँ पे जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे बता देगा कितना बनना है, अब इस अकाउंट को 5,000 बनना है। यदि हाँ आपका टर्नओवर बिलो 1 CR है, बिलो वन हाँ सी आर तो आपको ओके 5,000 बनना है। यदि 1 CR से 5 करोड़ तक है तो आपको 10,000 भरना है, उसके ऊपर है तो आपको 25,000 भरना है। अच्छा। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अभी कैसा है, यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम्स है थोड़ा, इसको तो ये ऐड होता नहीं है, मैं अभी डायरेक्टली गूगल पे से या फोन पे से कर रहा हूँ। हेलो ट्रिपल 0 1200 1200 5 1079 0000 5। ओके, आईएफएससी कोड नॉट रिक्वायर्ड, अकाउंट होल्डर नेम जेम, ऑप्शनल ऑप्शनल कंफर्म। ओके 1 रुपीस में डालता हूँ। यहाँ से तो नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ ऐड फंड करके। हाँ आया है, ये देखो ये आ गया। ये कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम देता है आने में, बट ये आ जाता है। जैसे ही आ जाएगा आप यहाँ से ऐड फंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड फंड कर रहा हूँ। ऐड फंड कौन होगा, सेलर नेम एस एम एस जी एन इंजन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1 नंबर 1 रुपीस में पे ऐड करके दिखाता हूँ, कुछ चार्जेस लगेंगे आपको एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग आ गया, आप कौन सा इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हो, एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक, रिटेल या अदर्स बैंक। मेरे पास अदर्स बैंक का है, मेरे पास एक्सिस बैंक नहीं है।
मैंने वहाँ एक्सिस बैंक चूज किया, एचडीएफसी भी था, मैंने चूज नहीं किया, मैंने अभी एचडीएफसी से मुझे पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पे एक्सेप्ट अदर बैंक ये प्रॉब्लम है थोड़ा, इसकी वजह से नहीं आ रहा। पे देखो आ गया, 100 रुपीज डाला तो आ गया। अब यहाँ पे मुझे पे करना है, मुझे एचडीएफसी से पे करना है, तो मैं एचडीएफसी भी जाऊंगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है आपको, पे नाउ। देखो 10 रुपया और 1 रुपया इतना एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, पे नाउ। आ गया नेट बैंकिंग मेरा एचडीएफसी का। कंफर्म 111 रुपया का, देखो फंड एडेड सक्सेसफुली इन योर वर्चुअल अकाउंट। ओके अभी देखो यहाँ पे सक्सेस होके आ गया, आ गया 100 रुपीज सक्सेस है ना। अभी आप यदि यहाँ देखेंगे आपका गो टू बैक, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ अपडेट बैलेंस का, यहाँ पे आ चुका होगा। यहाँ पे करते हैं इसको लॉग आउट, लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब जैसे लॉग आउट कर दिया, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस ही अपडेट, देखो यहाँ 100 रुपीज आ गया, मेरा अकाउंट में पैसा ऐड हो गया। अभी आपको बाकी का पूरा 4000 आपको ऐड करना है, इस तरह से आपको ऐड करना। आप कोई भी तीनों में से कोई भी बैंक अकाउंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका कॉजन मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा स्लो चलता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये जरूरी है, बट आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा थोड़ा पेमेंट ऐड कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ थोड़ा थोड़ा पेमेंट, जब तक आप 5000 ऐड नहीं करेंगे तब तक हाँ ये अकाउंट आपका काम नहीं करेगा। भी अच्छा आप देख लो ऐड करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, अभी देखता हूँ इसका प्रोडक्ट करके होता है क्या काम, देख लीजिए। यदि वो काम करने के लिए देता है तो कर पाएंगे। हाँ हो रहा है, अब देखो ऐड करने के लिए ऐड 100 रुपीज ऐड कर दिया तो अभी काम करने को दिया तो 100 रुपीज, नो सॉरी सॉरी, अकाउंट मेरा बदल गया, इस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है। एक्चुअली मैं दूसरा अकाउंट आ गया लॉग इन पे, देखो बोलिए सर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो ग्रुप में भेजेंगे तो मालिक भी देखेंगे। अभी फिर से ये आना बंद हो गया, थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ अभी आ गया, अभी ये आ गया। अभी यहाँ से यदि मैं कोई भी ऐड करना चाहता हूँ, कैटलॉग सर्च माय ऑफरिंग, मुझे पहले ये अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है। कॉजन मनी नॉट पेड, काइंडली कंप्लीट पेमेंट टू कंटिन्यू अपलोडिंग न्यू कैटलॉग, साफ बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 5000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हमने 100 रुपीज भर के पेमेंट नहीं किया, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि
यहाँ पे 100 रुपीज आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, ऐसे आपको पूरा भरना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 5000 भर दोगे, आपका ऑप्शन पूरे तरीके से वर्क करना चालू हो जाएगा और आप सभी काम फिर से कर पाओगे।